ओआरओपी की इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होने के बाद ओआरओपी 3 में किसको मिली है मलाई और किसको मिला है मूंगफली का छिलका, ये टोटल अपडेट निकल के आ गया है। क्योंकि आप लोग का जो एरियर आपके में क्रेडिट हुआ है उससे साफ ये पता चलता है कि भूतपूर्व सैनिकों का जो एरियर है उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ किया गया था और क्या फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस वीडियो के माध्यम से ओआरओपी 3 में भूतपूर्व सैनिकों का लेंथ ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग सभी रैंकों का, चाहे आप स्पर्स पेंशनर हो या डिफेंस पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो, चाहे स्पर्स से लेते हो पैसा या SBI PNB से, आप लोग को इस वीडियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दर्शाना चाहता हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूले। वन रैंक वन पेंशन के ऊपर यहाँ पे जितने भी रैंक हैं हमारे पास, जितने भी ओआरओपी में बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनका बहुत सारा कहना था कि सर ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है ये आपको खुद मिल जाएगा यहाँ पे देखने को, क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, ये ओआरओपी 2 का कॉलम है जो कि 1/7/2019 से इफेक्टेड था और 1/7/2024 से इफेक्टेड था ओआरओपी 3। सर्विस आप यहाँ देख सकते हैं, रैंक यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग, सिपाही, ओनली नायक, नायक और सभी जितने भी हमारे रैंक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो एरियर जितना बनना चाहिए था उतना बना नहीं, लेकिन हमारे भूतपूर्व सैनिक का एक और डाउट ये है, आज इक्वल MSP की सुनवाई भी है। तो इक्वल सुनवाई भी देखेंगे कि आज क्या निष्कर्ष निकल के आता है, इक्वल MSP 15,500 पे क्या अपडेट है, क्योंकि ये भी दिन का बहुत दिन से इंतजार था भूतपूर्व सैनिकों को। आज 30 सितंबर 2024 पल पल का अपडेट आपको हमारे वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हाँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से ये फायदा, जैसे सिपाही 17 साल का 18,807 बना था ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में 20,463 बन रहा है, तो ये डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो ये देखिएगा आपको, तो यहाँ पे कुछ रैंकों का तो 445 यहाँ पे सुबदार 28 साल को मात्र 475 रुपये फ़ायदा हुआ है, और 2-3 रैंक तो ऐसे हैं जो माइनस में भी चल गए हैं और जिनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे ओनली लेफ्टिनेंट, ओनली कैप्टन, 0-0, कोई मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं ओआरओपी 3 में, और एक तो माइनस में चल गए। तो आप ही कमेंट करके बताइए ओआरओपी 3 का क्या है वर्तमान स्थिति।